एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोज अगर √5/3 एंड −√5/3 हैं तो बाकी जीरोज आपको निकालना है। सबसे पहले आप देखें कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। ये पॉलिनोमियल है 3x⁴ +6x³ −2x² −10x −5। यहाँ से हम देख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म फर्स्ट टर्म है 3x⁴, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। जब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो इसमें कितने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ पे 4 जीरोस होंगे और इन 4 जीरोस में हमें 2 जीरोस दे दिए गए हैं और अब हमें कितने निकालना है, 2 मोर जीरोस ये हमें ऑब्टेन करना है। तो हमें ये दिया गया है कि x = √5/3 एंड x = −√5/3 आर 2 जीरोस। इसका मतलब है कि जब हम x −√5/3 और x + √5/3 करेंगे तो हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन गिवन दैट √5/3 एंड −√5/3 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल सो x −√5/3 इंटू x + √5/3 विल बी ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये चीज आपको लिख देना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी दिया गया, लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 आई थिंक। ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन 3 नंबर में सेक्शन सी में आता है तो यही दोनों क्वेश्चंस होंगे। आपको करना सेम एक ही चीज है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां पे 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो और 2 फैक्टर्स आपको दे दिए गए हों तो आप 2 फैक्टर्स से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमें जो भी कोशेंट मिलेगा उसके फैक्टराइजेशन करके हम इस पॉलिनोमियल के बाकी दोनों फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, x −√5/3 इंटू x + √5/3 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम इनको अगर सॉल्व करें, जो ये फैक्टर्स मिले हैं इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसका तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें कर नहीं पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको तो इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनको हम थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। हम x −√5/3 इंटू x + √5/3 में आइडेंटिटी a + b इंटू a − b = a²-b² अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे a − b a + b अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि a²-b² हमने अप्लाई कर दिया। क्या मिल गया हमें, x²-5/3 ये एक फैक्टर मिल गया। अगर डिनोमिनेटर से 3 हटाना हो तो हम पूरे पॉलिनोमियल में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x²-5। तो 3x²-5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लिख देंगे दैट इज 3x²-5 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहां तक करने के बाद अब आपको सिर्फ 3x²-5 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम मिटा रहे हैं क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है, हमें सिर्फ 3x²-5 याद रखना है कि 3x²-5 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो 3x²-5 से हम दिए गए पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना पुराना मेथड है 3x²-5, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिवाइड किया उसी तरह से हम 3x²-5 से डिवाइड कर रहे हैं। 3x⁴ +6x³ −2x² −10x −5। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, डिवाइड करने से पहले ही आपको मालूम होना चाहिए कि रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे बताया था, डिवाइड करने के बाद हमने बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब है कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा दूसरा पॉलिनोमियल, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप लोग समझ लें कि कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, आप उसको वापस से चेक कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म 3x⁴ है
डिवाइजर का एक डिग्री टर्म 3x स्क्वायर है, डिवाइड किया x स्क्वायर टाइम्स किया, x स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 3x टू द पावर 4 x स्क्वायर इंटू माइनस 5, दिस इज माइनस 5x स्क्वायर। x स्क्वायर के नीचे हमने x स्क्वायर वाला टर्म लिखा है, अब सेपरेट करेंगे माइनस प्लस, 3x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, 6x क्यूब मिला, माइनस 2x स्क्वायर में प्लस 5x स्क्वायर जोड़ेंगे प्लस 3x स्क्वायर मिला, बाकी ये दोनों टर्म्स एज इट इज लिख लिए, माइनस 10x माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़े, 6x क्यूब से जब हम इस 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमें 2x मिल जाएगा और वो 2x हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2x, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 में, तो 2x इंटू 3x स्क्वायर 6x क्यूब मिला, 2x इंटू माइनस 5 माइनस 10x मिल जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, हमें मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, 1 हम यहाँ पे लिखें 3x स्क्वायर माइनस 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया मतलब हमारा डिवीजन सही है। अब हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x, q ऑफ x कम्स कोसेंट एंड r ऑफ x एज रिमाइंडर, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, तो हम लिख सकते हैं अपने पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर माइनस 5 इनटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसके फैक्टर्स तो हमें मालूम है, ये है रूट 5 बाई 3 एंड माइनस रूट 5 बाई 3, जो सेकंड ब्रैकेट मिल रहा है इसको फैक्टराइज हम कर लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5, सेकंड ब्रैकेट और आसान हमें मिल गया है, ये x स्क्वायर को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर और मिडिल टर्म है 2 इंटू ए इंटू बी, तो हमें ये मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है, हम इसमें ये आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अप्लाई कर सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ से लिख जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस रूट 5 बाई 3 इंटू एक्स प्लस रूट 5 बाई 3 और ये है x प्लस 1 एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर, दो बार लिख लिया। अब हम चारों रूट्स बता देंगे, देयरफॉर माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5 बाई 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 आर 4 रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने डिवीजन किया है, इस डिवीजन को हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, वो मेथड भी मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग सबसे पहले जब इसको डिवाइड करेंगे, हम 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 3x स्क्वायर माइनस 5 को तीन बार लिख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, और हमें लाना क्या है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू। सबसे पहले हमें 3x टू द पावर 4 लाना है, तो 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x टू द पावर 4 आ जाए, हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। अब देखें, हमें ज़रूरत है 6x क्यूब की, सबसे पहले हमें 6x क्यूब की ज़रूरत है, तो 6x क्यूब लाने के लिए हमें देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x क्यूब मिल जाए। सेकेंड ब्रैकेट में हम अगर इसमें 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x इंटू 3x स्क्वायर 6x क्यूब मिल जाएगा, तो 6x क्यूब टर्म हम यहाँ पे लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई किए 6x क्यूब एंड 2x इंटू माइनस 5, दिस इज माइनस 10x। अब आप देखें, हमें लाना है माइनस 2x स्क्वायर और ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं माइनस 5x स्क्वायर एक्स्ट्रा, बचाना है माइनस 2x स्क्वायर, तो अगर इस माइनस 5x स्क्वायर में हम
प्लस थ्री एक्स स्क्वायर जोड़ दें तो माइनस टू एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम इस ब्रैकेट में वन का मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। और आप कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर कर लीजिए, माइनस टेन एक्स हमें मिल चुका है, फाइव हमें मिल चुका है, यानी कि इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस टू एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब हम इन तीनों टर्म्स में से थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव कॉमन ले लेंगे, हमें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे भागफल निकाला था। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बार बार आप करेंगे तो मिस्टेक होना बंद हो जाएगी। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप लोग जो कि टेंथ क्लास में हैं, आप अपने प्रोसेस से, लेंदी प्रोसेस से ही करने की कोशिश करें ताकि गलतियों की गुंजाइश कम हो। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर थ्री को कम्प्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव को डिस्कस